अस्सलाम वालेकुम लीडर्स। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ NFT कोड कैसे लगाना है गेम में, मियो वर्ल्ड में आपने कोड कैसे लगाना है। तो आपने अपने मियो वर्ल्ड गेम को ओपन कर लेना है और कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इधर भी मिल जाएगा। जिसके पास एक NFT है वो तो ये कोड लगा ले, ठीक है। कोड वो अपना कैसे देख सकता है, ठीक है, सेटिंग पे क्लिक करेगा मियो वर्ल्ड की और उधर से कोड चेक कर लेगा अगर उसने प्ले स्टोर से डाउनलोड की है, इंस्टॉल की है। और अगर उसने, ठीक है, वेबसाइट से डाउनलोड की थी पहले और वो मीटा मास्क में, ठीक है, ब्राउज़र पे जाएगा मियो वर्ल्ड की वेबसाइट पे, उधर गेमिंग से कर लेगा, ठीक है। कोड वो मैंने तरीका बताया हुआ है, आप पिछली वीडियो देख लें। और इधर आपने कोड लगाना है, आपने कोड इस इनवाइट कोड, ठीक है, इधर आपने कोड लगाना है इस बॉक्स में, इस बॉक्स में आपने कोड लगा देना है, ठीक है। आपको कोड इधर स्क्रीन में शेयर हो जाएगा, ठीक है, देख लें, और डिस्क्रिप्शन में है उधर से आप कॉपी कर लें। तो मैं कोड इधर लगाता हूँ। कोड लगाने के बाद आपने मीटा मास्क है तो मीटा मास्क पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो मैंने इधर कॉपी किया हुआ है तो मैं इधर कोड लगा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कोड लगा दिया। उसके बाद आपने ट्रस्ट वैलेट पर क्लिक करना है, ठीक है। जो कोड जिसका आप कोड लगाएंगे उससे 1500 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। दो का लगाएंगे तो फिर आपको 1500 मिलेंगे। तीसरे पर्सन का जब आप इनवाइट करेंगे तीसरे पर्सन को तो आपको एक टिकट मिल जाएगा, ठीक है। तीन लोगों को इनवाइट करने से आपको $5 मिलेंगे जो कि नेक्स्ट ड्रॉप में, ठीक है, आपको मिलेंगे। टिकट कलेक्ट हो जाएंगे और आपको डॉलर रिसीव हो जाएंगे। वो FRGX कॉइन में भी आ सकता है और USD डॉलर में भी आ सकता है ड्रॉप। तो नेक्स्ट जो बात है कि आपके पास NFT है और आप NFT गेम खेल के ज़ाया होगी कि नहीं, तो NFT का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और NFT की प्राइस और ज़्यादा होगी, क्योंकि प्लेयर NFT जो है ये बिल्ली है, इसे ट्रेन करना पड़ता है। अगर आपकी बिल्ली ट्रेन होगी तो वो आप इजीली जल्दी गेम खेल सकेंगे, ठीक है। और अगर आपकी बिल्ली ट्रेन नहीं होगी तो आपको गेम ट्रेन करने में टाइम लगेगा। तो इसलिए आपने प्ले करें, अपनी बिल्ली को ट्रेन करें ताकि इससे ज़्यादा में सेल हो, ठीक है। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा, ठीक है, NFT है तो आप एक और मोबाइल में आप और NFT गेम मेटामास्क को इंस्टॉल करें, फिर मियो वर्ल्ड को इंस्टॉल करें, उधर अपना कोड लगाएं, ठीक है, फिर दूसरे पे उधर उसको अनइंस्टॉल कर दें, फिर दूसरा अकाउंट लॉगिन करें मेटामास्क पे और दूसरे पे कोड लगाएं, ठीक है। और आपको दो तीन पे आपको मिल जाने हैं दो टिकट, ठीक है। अगर आपके पास चार NFT है, एक पे तो पहले खेलेंगे और तीन दूसरे मोबाइल में आप वॉलेट इंस्टॉल करके उस पर मियो वर्ल्ड कनेक्ट करके उसके बाद इधर से कोड लगा लें, ठीक है, तो आपको टिकट मिल जाएंगे और उनके तीन में से किसी का एक आप कोड लगा लें, ठीक है, उधर 1500 पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं नेक्स्ट आगे वीडियो में गाइड कर दूंगा। तो हम चलते हैं NFT प्राइस चेक करते हैं कि NFT प्राइस क्या है। तो मैं मीटामास्क ओपन करता हूँ और इधर से हम NFT प्राइस चेक करेंगे, NFT कितने में सेल हो रही है और आप NFT आपकी कब सेल होगी। और इसमें आप जैसे कोई NFT को सेल करते हैं तो आपकी बायर, ठीक है, बायर किसी भी टाइम आ सकता है और वो जैसे उस पर बाय क्लिक करेगा तो आपके वॉलेट में BNB आ जाएंगे, ठीक है, और NFT आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी जैसे ही आप अपनी NFT को लिस्टिंग करेंगे। तो मैं NFT, मेरे पास कितनी NFT हैं और मैं सेल क्यों नहीं कर रहा, और आपने NFT सेल करनी है तो इधर से सेल कर सकते हैं, लेकिन उसका आपको नुकसान होगा, ये होगा कि मैं आपको, ठीक है, इधर NFT ट्रेड पे ले जाता हूँ, उधर से आपको गाइड करता हूँ कि आपको कैसे प्रॉफिट होगा NFT से और कैसे आप अपना नुकसान कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने अकाउंट में चल जाते हैं फोर्सेज की ID में, और ID में आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ NFT ना सेल करने पे, ठीक है। NFT सेल करने से आपको क्या नुकसान हो सकता है, तो बाद में नहीं कहना मुझे कि NFT में सेल करके, ठीक है, गलती की है। तो इधर आप चेक कर सकते हैं FRGX टोकन, ठीक है। तो आपके पास इधर जितने भी टिकट हैं इधर आपकी टोकन शो होंगे, ठीक है, जितने भी आपको टोकन मिले हैं।
और इसको मैं एक बार रीलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये चेक कर लें, 70.1257, ठीक है। पहले इधर थे, ये मेरा स्क्रीन शॉट चेक कर लें, 2 दिन पहले के टोकन हैं, ठीक है। ये ऑटो अप डाउन होते हैं, ऊपर भी जाते हैं नीचे भी जाते हैं, तो ये ज़्यादा हो चुके हैं 70.1, ठीक है। और अगर मैं NFT सेल कर देता, एक मंथ में मैंने तकरीबन 3 टिकट, ठीक है, 3 टिकट गेम खेल के बाय किए हैं, तो एक टिकट की प्राइस $2.5 है। तो 3 टिकट की आप लगा लें 7.5 डॉलर, ठीक है। वो बनते हैं तकरीबन 2000 प्लस के बनते हैं, ठीक है। ये अगर मैं NFT 1000 की सेल कर देता, अब हो रही है, तो मुझे 1000 प्रॉफिट आया है, ठीक है। मैंने NFT सेल नहीं की, मुझे अब 2000 प्रॉफिट आ चुका है। अगर मैं सेल कर देता तो मुझे 2000 नहीं मिलना था, और मैं अपनी NFT अभी भी 1000 की सेल कर सकता हूँ। 2000 मैंने वो कमाया, 1000 की NFT सेल करूँ, 3000 मैं अर्न कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं इसी NFT से हर मंथ 2000 लूँगा। गेम आपने 3 घंटे बाद 1 मिनट खेलनी होती है, ठीक है। 3 घंटे के बाद आपने 1 मिनट प्ले करना है, 15 सेकंड लगते हैं एक राउंड में, ठीक है। तो 4 राउंड खेले जाते हैं, 1 मिनट लगता है, तो 1 मिनट आप लगा लें, ठीक है। दिन में आप 5 बार खेलते हैं तो 5 मिनट लगा लें, चलें 10 मिनट लगा लें। एक दिन में आपने 10 मिनट इसे देने हैं, और एक मंथ के बाद आप 2000, इससे भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, ठीक है, जितने ज़्यादा आप प्ले करेंगे। और इनवाइट कोड भी आप कर सकते हैं जिसके पास NFT है। तो बात करने का ये मकसद है कि अगर मैं अपनी NFT सेल कर देता तो ये मेरे पास 70 टोकन नहीं होते, और 70 टोकन जैसे ही इसकी प्राइस अप होगी तो मैं इसे USD में कन्वर्ट कर लूँगा और बाइनांस से इसे विड्रा ले लूँगा, ठीक है। तो अब चलते हैं NFT की प्राइस चेक करते हैं कि NFT की प्राइस क्या है। NFT ट्रेड पे आपने आ जाना है, और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ आपने NFT सेल नहीं करनी। तो इधर मैं लाइव एक्टिविटी पे क्लिक कर रहा हूँ, NFT ट्रेड की लाइव एक्टिविटी ऑल चेन, ठीक है। इधर ऑल NFTs हैं, तो ऑल पे इस पर मैं क्लिक करूँगा एरो पे। तो इधर मैं सोल्ड पे मैंने क्लिक करना है, सोल्ड पे, ठीक है, जो सेल हो चुकी है। तो ये NFT, ठीक है, सेल हुई है। इधर से मैं ऑल चेन पे क्लिक करूँगा, और BNB पे मैं क्लिक कर दूँगा, ठीक है। BNP भी मैं सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि BNP पमान NFT जो है BNP पे है, बाइनांस स्मार्ट चेन पे है, ठीक है। तो ये NFT 2 सेल हो चुकी हैं, ये आप चेक कर लें कौन सी NFTs हैं। और 0.015, ठीक है, और ये कब सेल हुई हैं, 2 घंटे पहले, ठीक है, आज ही सेल हुई हैं 2 घंटे पहले। तो इधर से हम इसको ओपन कर लेते हैं और भी देख लेते हैं, ठीक है। ये NFT सेल हुई है, ये मुझे कॉमन फ्री वाली लग रही है, ठीक है। तो ये 0.015 BNB में सेल हुई है, और ये 11 घंटे पहले हुई है, ठीक है, और इससे पहले भी ये सेल हो गई है, ठीक है। NFT 0.0154। तो आप अपनी NFT सेल ना करें, ठीक है। इसने तकरीबन ये देख लें 1200 तकरीबन बनते हैं, 1200 में इसने सेल कर दी है। और इसके बाद इसको नहीं पता मियो वर्ल्ड कैसे खेलनी है, आप ट्रेन कर लें अपनी मियो को, और उससे भी ज़्यादा, ठीक है, अगर आपकी बिल्ली ट्रेन हुई होगी तो ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं। तो आपने अपनी NFT सेल नहीं करनी। अगर आप NFT सेल कर देंगे तो आपको, ठीक है, मंथली प्रॉफिट नहीं मिलना। ये NFT आपको मंथली प्रॉफिट दे सकती है, अगर आप, ठीक है, 3000, अगर टोकन जैसे आप ज़्यादा करते जाएंगे टोकन टिकट, तो आपके, ठीक है, ये टिकट प्राइस बढ़ भी सकती है। तो आपको मैं टिकट बाय कैसे करने हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। तो मिया वर्ल्ड गेम को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। इधर मैंने कोड पहले लगाया हुआ है, और दोबारा लगा के देखेंगे, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये कोड नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि पहले लग चुका है, ओपन हो चुका है। तो इधर मेरे पास, ठीक है, 5000 पॉइंट हो चुके हैं, तो मैं 2 टिकट बाय करूँगा। तो इधर से मैं इसे दोबारा क्लिक करूँगा, क्योंकि मैंने कोड लगाया है और कोड पहले से लगा हुआ है, तो ये ओपन नहीं होगी। तो इसको हम क्लोज करते हैं, जैसे कोई एरर आए तो आपने इसे क्लोज़ कर देना है, ठीक है।
और दोबारा आप ओपन करेंगे तो ये हो जाएगी, और कुछ टाइम ये प्ले नहीं होती। जैसे कोई सिस्टम अपडेट पे होता है, अपग्रेड होता है, ठीक है, एक दो दिन पहले अपग्रेड किया है सिस्टम को, तो उस वजह से प्ले नहीं होती, ठीक है। तो इधर से हम दोबारा इसे प्ले करते हैं तो ये ओपन हो जाएगी, ये चेक कर लें। सेकंड में ओपन हो चुकी है, पहले कोड लगाया था तो पहले ओपन नहीं होगी, और अभी मेरी ये देखें बिजली भी आ चुकी है। तो आपने कैसे प्ले करना है, चले एनर्जी मेरी रीफिलिंग हो चुकी है, कुछ एनर्जी रीफिलिंग हो चुकी है, तो मैं आपको गेम खेल के उसके बाद हम टिकट बाय करते हैं। तो मैं NFT गेम को प्ले करता हूँ, और सबसे पहले आपने आ जाना है इधर स्टोर में, इधर थोड़ा सा वेट करने के बाद इस एरो पे क्लिक करना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे, और बाय पे आपने एक दफ़ा क्लिक करना है, एनर्जी रीफिलिंग हो गई, ठीक है। फिर दोबारा क्लिक करूँगा, दो दफ़ा क्लिक किया, ठीक है, उसके बाद फिर मैंने तीसरी दफ़ा क्लिक करने ही लगा था तो ये आ गया, ठीक है, ये आपकी नेट स्पीड पे होगा। अगर मैं क्लिक कर देता तो ये बाय हो जाना था, ठीक है। तो मैं इधर स्टोर पे आ जाता हूँ और इधर इसको मैंने खिला देने हैं, ठीक है, ये फ्री में मिलते हैं तो फ्री में मिली कुछ तो, ठीक है, उसकी भूख कम होगी, मैंने खिला दिया। अब स्टार्ट वर्कआउट पे आता हूँ और इधर से मैं गेम को प्ले करता हूँ। तो आपने स्टार्ट वर्कआउट पे क्लिक करना है, फिर आपने प्ले पे पंच और ब्लॉक कर देना है, ठीक है। और ये देखें मैंने अपनी बिल्ली को ट्रेन किया, मैं 2 से 3 मंथ, ठीक है, मुझे हो गए खेलते हुए, इसी वजह से मेरी जो बिल्ली है वो ट्रेन है, तो एक पंच से ही वो, ठीक है, गेम हो जाती है। तो एक पंच से मुझे 35 पॉइंट मिल चुके हैं, और आपको खेलनी भी आ जाती है, ठीक है, तो दो दफ़ा खेल होगी क्योंकि एनर्जी रिफिलिंग है। तो उसके बाद हम अपने कैसे आपने टिकट को बाई करना है, तो 2 टिकट मेरे पास हैं और 2 मैंने और बाई करने हैं, ठीक है, बाई पे क्लिक करूँगा, नीचे फूड एरो है, इस पर मैंने क्लिक करने क्रोथ आ जाएंगे, उसके बाद टिकट आ जाएंगे। तो 2 हैं तो मैंने, ठीक है, एक दफ़ा क्लिक करता हूँ, 3 हो गए, उसके बाद एक दफ़ा और क्लिक करता हूँ, ठीक है, 4 टिकट हो चुके हैं, उसके बाद फिर क्लिक करता हूँ और मेरे पास पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये अब मैं दोबारा ओपन करता हूँ आपके सामने, तो इधर मेरे पास 300 पॉइंट्स बच जाएंगे और इधर हो जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी ये भी मेरे पास, ठीक है, 1 घंटा है, ये 3 घंटे हो जाएगी। तो आपके सामने मैं दोबारा ओपन करता हूँ, तो आपने अपनी NFT सेल नहीं करनी, ठीक है, आप प्ले करें गेम, आपको अगर प्ले नहीं करनी आती, ठीक है, मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको, ठीक है, गाइड करूँगा, वीडियो दूँगा। अगर आपको फिर भी नहीं आएगी तो व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर लें, मैं आपको व्हाट्सएप पर गाइड करूँगा, ठीक है। तो आप गेम को प्ले करें, अपनी NFT ज़ाया मत करें, और अगर आप सेल कर देंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चेक कर लें, 380 पॉइंट्स मेरे पास बचे हैं, 4 टिकट हो चुके हैं और मेरी एनर्जी जो है रीफिलिंग पे चली गई है, ठीक है। तो इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ, पहले 1 घंटा आ रहा था तो अब ये तकरीबन 3 घंटे लगी, ठीक है। तो अभी लोडिंग है, ठीक है, अगर आपका नेट स्पीड और मोबाइल, ठीक है, अगर आपका नेट की स्पीड अच्छी है तो आप बहुत जल्द खेल सकते हैं इस पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो मुझे कमेंट कर दें, मैं आपका उसको आंसर कर दूंगा। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि गेम खेलने से आपकी NFT पर फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क कैसे पड़ेगा, आपकी NFT ट्रेन हो जाएगी और पहले से ज़्यादा प्राइस में सेल हो सकती है, ठीक है। और अगर आपकी NFT ट्रेन नहीं होगी, क्योंकि नेक्स्ट NFT कलेक्शन, NFT गेम में NFT कलेक्शन आ रही है, ठीक है, आप NFT गेम, न्यू वर्ल्ड गेम खेल के NFT हासिल कर सकते हैं। तो न्यू कलेक्शन आ रही है, अपडेट आ चुकी है, उसका मैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा कि आप NFT कलेक्शन कैसे आएगी और उसमें हम कैसे पार्टिसिपेट करके NFT हासिल कर सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।